नमस्कार, आज हम बनाएंगे आंवले का मुरब्बा एकदम आसान तरीके से और एकदम रसीला और जूसी। और इस आंवले के मुरब्बे को आप एक बार बना के साल भर तक रख सकते हो, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। आंवले में विटामिन सी होती है, तो ये आंखों के लिए, बालों के लिए और चेहरे के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। और इसे आप एक बार बना के रख लीजिए और साल भर तक इंजॉय कीजिए। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं आंवले का मुरब्बा। आंवले का मुरब्बा बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 500 ग्राम आंवले लिए। मार्केट में अभी बहुत अच्छे आंवले मिल रहे हैं। आंवले का अभी सीजन भी है, कुछ टाइम के लिए आते हैं, तो हमने यहाँ पर बड़ी साइज के आंवले लिए। और आंवले को खरीदते टाइम पे आप ध्यान रखें कि आंवले थोड़ी बड़ी साइज के लिए और इनमें दाग नहीं होने चाहिए। अब आंवले को हमने रात भर पानी में भिगो के रख दिए। आंवले को मैंने 2 से 3 बार साफ पानी से धो लिए। अब इनको हम एक कपड़े से पोंछ लेंगे, जो भी इसके ऊपर गंदगी लगी होगी वो साफ हो जाएगी। वैसे तो आंवले का मुरब्बा ट्रेडिशनल तरीके से चूने में भिगो के बनाया जाता है, पर आज हम यहाँ पर बिल्कुल सिंपल तरीके से बना के तैयार करेंगे। तो देखिए, मैंने सारे आंवले पोंछ लिए। अब चलते हैं इनको बॉईल करने की प्रोसेस में। तो गैस के ऊपर हमने पहले से ही पानी गर्म होने के लिए रख दिया है और देखिए पानी में अच्छी तरीके से उबाल आ गया है। यहाँ पर आप खास बात का ध्यान रखें कि पानी में जब अच्छे से उबाल आ जाए तभी आपको आंवले डालने हैं। तो एक एक करके हम यहाँ पर आंवले डाल देंगे, देखिए इस तरीके से। और अब आंवले को हम 3 से 4 मिनट उबाल लेंगे, ज़्यादा देर नहीं उबालेंगे, नहीं तो ये सारे खिल जाएंगे और इनकी कलियाँ अलग हो जाएगी। हमें अलग नहीं करना है, बस इनको हल्के से उबालने हैं जिससे कि ये थोड़े से सॉफ्ट हो जाए। ये देखिए आंवले मैंने 4-5 मिनट उबाल लिए और इसको दबा के देख रहे हैं तो ये हल्का सा दब रहा है, बस इतना ही हमें उबालना है। अब हम गैस की फ्लेम को हम बंद कर देंगे और इसे एक छलनी में निकाल लेंगे जिससे कि ये जल्दी से ठंडे हो जाए। आंवले का मुरब्बा खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है और इसको बनाना बहुत ही आसान है। अगर आप एक आंवला रोज खा लोगे तो आपका दिन भर पेट साफ रहेगा, इससे बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और जो हमने आंवला उबाला था इसका पानी इसे बिल्कुल नहीं फेंकना है, इसे आप ठंडा करके बाल धोने में काम ले सकते हो या फिर सब्जी में डालने में। देखिए आंवले ठंडे हो गए। अब यहाँ पर एक फोक से आंवले को हम अच्छी तरीके से पिक कर लेंगे अंदर तक, जिससे इनको हम चाशनी में उबालेंगे तो ये अंदर तक अच्छी तरीके से रसीले बनके तैयार होंगे। तो पूरे आंवले को हम इस तरीके से अच्छे से पिक कर लेंगे। देखिए, अगर आप चाहे तो आंवले को बॉईल करने से पहले भी पिक कर सकते हो, पर मैं यहाँ पर बाद में कर रही हूँ जिससे कि आपको पिक करने में आसानी रहेगी क्योंकि आंवले सॉफ्ट हो गए। ये देखिए सारे आंवले को मैंने फोक से अच्छी तरीके से पिक कर लिए। अब चलते हैं गैस की तरफ। तो गैस पे हमने एक कढ़ाई चढ़ाई है, इसमें डालेंगे हम 2 कप चीनी। ये वजन में 500 ग्राम है, 500 ग्राम ही हमने आंवले लिए तो 500 ग्राम ही हमें चीनी लेनी है। चीनी की क्वांटिटी थोड़ी सी कम या ज़्यादा आप कर सकते हो। अब आंवले को हम इसके ऊपर इस तरीके से रख देंगे और 1-2 चम्मच हम पानी डालेंगे, ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे क्योंकि आंवले में भी बहुत ज़्यादा जूस होता है तो ये भी अपना पानी रिलीज करेगा। अब इसे हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। अब लो फ्लेम पे इसे 3 से 4 मिनट हम इस तरीके से ही पकने देंगे जिससे कि चीनी अच्छी तरीके से पिघल जाएगी और आंवले अपना जूस रिलीज कर देंगे। देखिए 3-4 मिनट हो गए हैं और आंवले ने खूब सारा जूस रिलीज कर दिया है और चीनी भी अच्छे से पिघल गई है। अब इसे हम ढक के लो फ्लेम पे 20 से 25 मिनट पकने देंगे चाशनी के अंदर। इसे आंवले अच्छी तरीके से सॉफ्ट हो जाएंगे और अंदर तक बिल्कुल जूसी बन के तैयार होंगे। और इसे हमें बीच बीच में चलाते रहना है जिससे कि आंवले दूसरी साइड में भी अच्छे से पके। अब आंवले के मुरब्बे को अच्छे से फ्लेवरफुल बनाने के लिए हम यहाँ पर कुछ मसाले डालेंगे। तो 1/2 छोटी चम्मच हम डालेंगे इसमें काला नमक, 1/2 छोटी चम्मच काली मिर्च पाउडर, आप चाहे तो इसमें 1/2 छोटी चम्मच इलायची का पाउडर भी डाल सकते हो, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। अब इसे हम ढक के वापस से 8 से 10 मिनट और पकने देंगे जिससे कि चाशनी एक तार की बनके तैयार हो जाए। देखिए आंवले को पकते हुए 20 से 25 मिनट हो गए और इनका कलर भी चेंज हो चुका है और चाशनी भी एक तार की बन गई है। अब इससे ज़्यादा हम इसे नहीं पकाएंगे और इसकी चाशनी में हमें कोई भी नींबू डालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आंवले में भी विटामिन सी होता है, तो इसकी चाशनी कभी भी नहीं जमेगी। तो गैस की फ्लेम को हमने बंद कर दिया है और आंवले को मैं आपको दिखाती हूँ कितना अच्छा पक के तैयार हुआ है, एकदम जूसी बना है। ये हमारा आंवले का रसीला मुरब्बा बन के तैयार है। अब इसे हम ठंडा करके एक एयर टाइट कंटेनर में भर के रख देंगे जिससे कि ये बिल्कुल भी खराब नहीं होगा और इसे आप साल भर तक आराम से इंजॉय कर सकते हो। बहुत ही आसान तरीका है फ्रेंड्स आंवले का मुरब्बा बनाने का, कोई भी परेशानी नहीं आएगी, आसानी से बन जाएगा। देखिए मैंने सारे आंवले एक एयर टाइट कंटेनर भर के रख दिए और जब भी आप एयर टाइट कंटेनर में भर के रखें तो इसको आप अच्छी तरीके से धो के साफ करके फिर ही भरें। ये हमारा आंवले का
मुरब्बा बनके तैयार है। आप एक बार जरूर मेरे इस तरीके से बना के देखिए, सभी को बहुत पसंद आएगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा अपनी फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर करें। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए।